हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर जायंट कॉम्प्लेक्स, जो हमारा बायोमैकेनिक्स का एक टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम सोलर जायंट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे तो हमारा उसमें चार ठो जॉइंट चलाएगा। सोलर कॉम्प्लेक्स में हमारा ग्लिनोहेमोरल जॉइंट्स, एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट्स एंड स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट एंड स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे ग्लिनोहेमोरल जॉइंट्स, जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट्स। हम किस चीज़ को ग्लिनोहेमोरल जॉइंट्स, मतलब इसमें ग्लिनो आता है मतलब ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमरल्स मतलब ह्यूमरस। जो चीज़ ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस को लेके बना होता है उसको हम ग्लिनोहेमोरल जॉइंट्स बोलेंगे। इट इज़ ए जॉइंट्स बिटवीन द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, मतलब ह्यूमरस एंड स्कैपुला बोन का जॉइंट को अब हम बोलेंगे ग्लिनोहेमोरल जॉइंट्स। दिस ग्लिनोहेमोरल जॉइंट इज़ द मोस्ट मूवेबल जॉइंट ऑफ द बॉडी एंड कॉन्सिक्वेंटली वन ऑफ द लीस्ट स्टेबल, मतलब जो ज़्यादा मूवमेंट कर रहा होगा उसका स्टेबिलिटी तो लेस होगा ग्लिनोहेमोरल जॉइंट्स में। ये हम देखेंगे, इसमें ग्लिनोइड कैविटी छोटा है एंड उसका ह्यूमरस का साइज हेड ऑफ ह्यूमरस बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो लेस स्टेबल हो गया, वो तो स्टेबल होकर नहीं रह पाएगा, इसलिए उसका मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है। जैसे पूरा 3 डिग्री मूवमेंट, डिग्री ऑफ मूवमेंट उसका 3 है, जैसे फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन आता है, अबडक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और मीडियल लैटरल रोटेशन। द शोल्डर जॉइंट इज द बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। ये हो गया सॉकेट, किसको हम सॉकेट बोलेंगे, ग्लिनोइड कैविटी को सॉकेट। बॉल किसको बोलेंगे, हेड ऑफ ह्यूमरस को हम बॉल बोलेंगे। इसका आर्टिकुलर सरफेस, मतलब किस किस चीज से बना है सरफेस, किस सरफेस से ही बना है, हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। द ग्लिनोइड कैविटी इज डिपेंडेड स्लाइटली बट इफेक्टिवली बाय द फाइब्रोकार्टिलेजिनियस रिंग कॉल्ड ग्लिनोइड लैब्रम। ये रहा ग्लिनोइड लैब्रम, जो पूरा ग्लिनोइड कैविटी को सराउंड करके रहता है, उसको हम ग्लिनोइड लैब्रम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे उसका लिगामेंट्स के बारे में। उसका लिगामेंट क्या क्या लिगामेंट होता है, कैप्सुलर लिगामेंट होता है, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट होता है एंड कोराकोह्यूमरल लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट एंड दो एक्सेसरी लिगामेंट भी होता है, कोराको एक्रोमियल लिगामेंट एंड कोराको एक्रोमियल आर्च। तो अब हम देखेंगे उसका लिगामेंट एक के बाद एक। कैप्सुलर लिगामेंट, इट इज़ द आफ्टर्स मेटियली बियॉन्ड द ग्लिनोइड लैब्रम एंड लैटरल एक्सटेंडेड टू द एनाटोमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ये मेडियल साइड से स्टार्ट होके ग्लिनोइड लैब्रम लैटरली एनाटोमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के तक लगा होता है। ये कैप्सुलर लिगामेंट पूरा इसे कवर होके रहता है। मीडियली इट एक्सटेंडेड टू बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल एंड इनक्लोज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकेट विद इन द जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी के अंदर लॉन्ग हेड उसका अटैच होता है बाइसेप्स ब्रैकेट। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द इनर सरफेस ऑफ जॉइंट कैप्सूल। साइनोवियल मेम्ब्रेन इनर सरफेस ऑफ जॉइंट कैप्सूल को कवर करके रहता है। इट फॉर्म्स ए ट्यूबुलर सीट अराउंड द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकेट इन द बाइसेप्स बिसिपिटल ग्रूव। जो ह्यूमरस में बिसिपिटल ग्रूव होता है उससे पूरा सराउंड करके टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकेट को अटैच होता है। इट अटैचेस टू द सब स्कैपुलर बोर्सा एंड ऑल्सो विद द इंफ्रास्पाइनस बोर्सा। सब स्कैपुलर बोर्सा कहाँ होता है, सब स्कैपुला और उसके नीचे ये होता है इंफ्रास्पाइनस बोर्सा, इंफ्रास्पाइनस मसल के नीचे आता है। हम बात करेंगे ग्लिनोहेमोरल लिगामेंट के ऊपर। दे आर द 3 थिकनिंग इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ फाइब्रोस कैप्सूल टू द स्ट्रेंथन इट। ये हमारा सबसे स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारा लेस स्टेबिलिटी है इसमें तो उसको स्टेबल करके रखने के लिए, सपोर्ट देने के लिए लिगामेंट होता है, उसमें से ग्लिनोहेमोरल लिगामेंट एक ही होता है। दीज आर कॉल्ड सुपेरियर मेडियल एंड इन्फेरियर ग्लिनोहेमोरल लिगामेंट। ये 3 तरह का ग्लिनोहेमोरल लिगामेंट होता है, सुपेरियरली अटैच होता है, मीडियली अटैच होता है और इन्फेरियरली अटैच होता है। दे आर विजिबल ओनली फ्रॉम द इन्फेरियर ऑफ द जॉइंट। इन्फेरियर जॉइंट्स में सिर्फ ये दिखाई देता है, ऊपर और नीचे उसको कवर कर लेते हैं हमारा
muscles. The superior and the middle glenohumeral ligament is a point of the weakness, so it is common side of anterior dislocation of humerus. Humerus ज़्यादातर anterior side में ही dislocate होता है, क्योंकि उस जगह पे हमारा superior medial glenohumeral ligament weakness point होता है, ये उसमें अच्छे से नहीं रहता है, वो weak point होता है, इसलिए ज़्यादातर anterior dislocation होता है. फिर हम देखेंगे कोराको ह्यूमरल लिगामेंट. ये एक स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू होता है दैट पासेस फ्रॉम द बेस ऑफ कोराकोइड प्रोसेस टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लेनोहेमरल लिगामेंट. ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्लेनोहेमरल लिगामेंट से होता है. देखेंगे उसका एक मेन लिगामेंट ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट. ट्रांसवर्स मतलब ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा. ये क्या क्या किससे कहाँ से अटैच होगा, ये जो रहता है हमारा बीसीपिटल ग्रुप उसको कवर करेगा. इट ब्रिजेस द अपर पार्ट ऑफ द बीसीपिटल ग्रुप ऑफ द ह्यूमरस. द टेंडन ऑफ द लैटरल हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई पासेस डीप टू द लिगामेंट. इससे नीचे हमारा टेंडन बाइसेप्स ब्रैकाई का लैटरल हेड का टेंडन आके अटैच होता है. फिर हम देखेंगे उसका एक एक्सेसरी लिगामेंट कोराको एक्रोमियल लिगामेंट. एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस. स्कैपुला का जो है कोराकोइड प्रोसेस होता है, कोराकोइड प्रोसेस टू द नेक ऑफ द ह्यूमरस. कोराकोइड प्रोसेस से नेक ऑफ ह्यूमरस अपोजिट टू द ग्रेटर ट्रोकांटर के साथ ये पूरा अटैच होता है कोराको एक्रोमियल लिगामेंट. इट गिव्स स्ट्रेंथन ऑफ द कैप्सूल. कैप्सूल को स्ट्रेंथन देता है कोराको एक्रोमियल आर्च. इट continuity of the acromion and coracoacromion ligament and coracoid process with each other. ये coracoacromion arch coracoid process and acromion process को attach करता है ये arch. उससे सही तो coracoacromion ligament attach होता है ये arch से. देन हम देखेंगे बर्सा. बर्सा related to the glenohumeral joint. ये सबस्कैपुलर बर्सा मतलब सबस्कैपुलरिस मसल के ऊपर होगा ये. इट लाइज बिटवीन द सबस्कैपुलरिस टेंडन एंड द नेक ऑफ स्कैपुला. नेक ऑफ स्कैपुला एंड सबस्कैपुलरिस टेंडन के बीच में ये रहता है. फ्रिक्शन लेस करने के लिए बर्सा होता है, जो हमारा फ्रिक्शन कम करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है. ये एक ऑयली जैसे सब्सटेंस होता है हमारा फ्रिक्शन लेस करने के लिए, शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए मूवमेंट होने के टाइम या कोई प्रेशर देने के टाइम में. इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन अगेंस्ट द नेक. नेक के तरफ फ्रिक्शन लेस करने के लिए सबस्कैपुलरिस बर्सा प्रेजेंट होता है. सब एक्रोमियल बर्सा. इट इज लाइज बिटवीन द एक्रोमियन प्रोसेस एंड द कोराको एक्रोमियल लिगामेंट. एबव एंड द टेंडन ऑफ सुप्रा स्पाइनेटस एंड द जॉइंट कैप्सूल बिलो. एक किस सब एक्रोमियन मतलब एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराको एक्रोमियन लिगामेंट एंड द टेंडन ऑफ सुप्रा स्पाइनेटस के बीच में ये नीचे प्रेजेंट है. इट कंटिन्यू डाउनवर्ड बीनीथ द डेल्टॉइड, हेंस इट ऑल्सो कॉल्ड रेफर्टवर्थ सब डेल्टॉइड बर्सा. ये डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है डेल्टॉइड के नीचे, तो इसको और भी सब डेल्टॉइड बर्सा के नाम से जाना जाता है. इट इज द लार्जेस्ट साइनोवियल बर्सा एंड द फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटस टेंडन अंडर द कोराको एक्रोमियल आर्च. मेन बर्सा एक बहुत बड़ा बर्सा है, जो हमारा साइनोवियल फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन अंडर द कोराको एक्रोमियल आर्च. कोराको एक्रोमियल आर्च एंड सुप्रास्पाइनेटस टेंडन के बीच में मूवमेंट करने के लिए ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है. देन हम देखेंगे इंट्रास्पाइनेटस बर्सा, मतलब हमारा तीन ठो बर्सा प्रेजेंट है. एक है सबस्कैपुलर बर्सा, एक है सब एक्रोमियल बर्सा एंड इंट्रास्पाइनेटस बर्सा. इंट्रास्पाइनेटस बर्सा में इट लाइज बिटवीन द टेंडन ऑफ इंट्रास्पाइनेटस एंड पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल. इंट्रास्पाइनेटस बर्सा मतलब इंट्रास्पाइनेटस एंड पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट्स के बीच में ये प्रेजेंट है. देन हम देखेंगे उसका रिलेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट या ग्लेनोहुमेरल जॉइंट का सुपेरियरली क्या क्या प्रेजेंट है, इंपीरियरली एंटीरियर साइड एंड पोस्टेरियर साइड में क्या क्या प्रेजेंट है. सुपेरियरली हम देखेंगे कोराको एक्रोमियल आर्च है, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड मसल. ये हम पिक्चर में अभी देखेंगे. ये हो गया उसका सुपेरियर, ये यहाँ पे सुपेरियर, इंपीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टेरियर साइड. सुपेरियर में क्या क्या है, कोराको एक्रोमियल आर्च. सुपेरियर में कोराको एक्रोमियल लिगामेंट, सब एक्रोमियल बर्सा एंड सुप्रास्पाइनेटस मसल्स,
anterior fiber of deltoid. ये superior ये होगा glenohumeral joints. इसका superior ये हैं. Superior में क्या क्या प्रेजेंट है? Acromion process है. Acromion process से ये आ गया पूरा का acromion arch, पूरा का acromion ligament. यह हो गया deltoid muscles. ये भी एक posterior का half deltoid है. यहाँ पे supraspinatus muscles आ गया और ये हो गया सब acromion bursa. देन inferior ये हो गया glenoid. ये होगा glenohumeral joints. तो उसका इन्फीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है हम देखेंगे. ये हो गया लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्राकाई. देन एक्जिलरी आर्टरी, एक्जिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सबकॉम्प्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स. ये हो गया उसका इन्फीरियरली ये प्रेजेंट है. देन उसका एंटीरियर साइड में क्या क्या है. एंटीरियर की तरफ सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलर बर्सा. ये हो गया सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलर बर्सा, कोराको ब्राकेलिस एंड द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्राकाई, पेक्टोरलिस मेजर्स मसल्स. ये सब हो गया एंड पेरिस मेजर. ये हो गया उसका एंटीरियर साइड में. एंटीरियर साइड में जो भी है ये सब. फिर हम देखेंगे उसका पोस्टीरियर साइड में क्या क्या है. पोस्टीरियरली है इंफ्रास्पाइनेटस, पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड एंड द टेरिस माइनर. फिर हम देखेंगे उसका ब्लड सप्लाई. उसको क्या क्या ब्लड सप्लाई, ग्लिनोहुमेरल जॉइंट्स को कौन सा ब्लड सप्लाई और ब्लड वेसल्स एंटीरियर सप्लाई करते हैं. एंटीरियर सबकॉम्प्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स अभी हम देखे थे. पोस्टीरियर सबकॉम्प्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, वेसल्स के अंदर आर्टेरिया वेन जाता है. सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड सब स्कैपुलर वेसल्स. ये हो गया सबकॉम्प्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स. ये हुआ ब्रैकियल वेसल्स. फिर हम देखेंगे उसका नर्व सप्लाई. नर्व सप्लाई में एक्जिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व उसको नर्व सप्लाई देते हैं ग्लिनोहुमेरल जॉइंट्स को. तो ये था हमारा ग्लिनोहुमेरल जॉइंट्स शोल्डर जॉइंट का वीडियो. अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.